बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि पास्ट टेंस में दो एक्शन हुए हैं। एक एक्शन जब हुआ तो उससे पहले कोई एक्शन शुरू हुआ और वो कंटिन्यू था। जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्टेशन पर पहुंचा और ट्रेन जा रही थी मेरे सामने से, तो मैं अब जब किसी को यह सुनाऊंगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि कल जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा रही थी। तो मेरा पहुंचना एक एक्शन है जो कि पास्ट टेंस में हुआ, और ट्रेन मेरे से पहले पहुंचने से पहले ही वहां से स्टार्ट हो गई थी, और जब मैं पहुंचा तो वो जा रही थी, मतलब वो एक्शन कंटिन्यू था। तो उसका फार्मूला किस तरह से आएगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड इस्तेमाल होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शनल, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अब ये अदर वर्ड्स के बारे में याद रखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हो तो अदर वर्ड्स के अंदर सिंस और फॉर का यूज होता है, चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो वहां पर सिंस और फॉर यूज में आएंगे। अगर ना आए तो उसका मतलब कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको यहां से सिखा देता हूं या बोल रहा हूं। आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा था, या मैं जाती रही थी, मराठी में मी जात आलेला होता, क्यों मी जात आलेली होती। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, अक्षय हैड बीन गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट, होप करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।